आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पैदल निकल पड़ता है। वह करीबन 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचता है, परंतु जिस वक्त वह केदारनाथ धाम पहुंचता है उस वक्त मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। वह पुजारी से विनती करता है, परंतु पुजारी द्वारा उसे कहा जाता है कि तुम अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट ठंड और भारी बर्फबारी के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो गए हैं। वह शिव भक्त मायूस हो जाता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। वह केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी वक्त एक अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पल भर में केदारनाथ धाम की सारी बर्फ एकदम से गायब हो जाती है। दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यह कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। यह व्यक्ति बहुत गरीब था जिसके पास महादेव की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव के दर्शन करने की इच्छा से यह व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर व्यक्ति ही दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे और यह व्यक्ति तो बहुत निर्धन था। इसलिए इसने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया और घर से निकल पड़ा। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह व्यक्ति अपने रास्ते में आगे बढ़ता गया, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी मालूम नहीं था। वह लोगों से पूछते पूछते चला जा रहा था और करीब 2 महीने तक पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति वहां भगवान के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वह मंदिर की ओर जाने लगा, तभी उसने देखा कि वहां मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे थे। वह भागकर पुजारी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, कब होंगे मेरे प्रभु के दर्शन। लेकिन पुजारी ने जो बात उस व्यक्ति से कही, उसे सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अब इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने बाद ही खुल पाएंगे और तभी तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम ऐसी ठंड में यहाँ पर एक रात भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो खाने के लिए अन्न है और ना ही गर्म वस्त्र और ना ही कंबल। फिर कैसे तुम यहाँ पर रुक पाओगे। ऐसा कहते ही पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर वह शिव भक्त काफी दुखी होता है, लेकिन वह अपने मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन किए बिना वह वहाँ से हिलेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वह वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वह भगवान शिव का नाम जपता रहा। फिर अचानक उसे तेज प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ से एक अघोरी बाबा उसके पास उसे आते हुए दिखाई देते हैं। यह अघोरी बाबा उस शिव भक्त के लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए इस भोजन को खा लो। अघोरी बाबा ने उस शिव भक्त के लिए आग जलाई और कहा, तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। वह शिव भक्त इतना थका होता है कि आग की गर्माहट में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही उस भक्त की नींद खुलती है, वह देखता है कि कहीं भी बर्फ का नामो निशान नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है। वह सोचने लगता है कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक
बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा। लेकिन यहाँ यह अचानक क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ भी गायब हो गई और फिर उसे याद आता है कि रात में उससे मिलने एक अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वह उन अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वह मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच रहा होता है कि उसके सामने से मंदिर का वही पुजारी अपने सेवकों के साथ उस मंदिर में आते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने की ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। यह सुनते ही वह शिव भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। यह सुनते ही पंडित जी कुछ देर तक सोचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम वही होना जो 6 महीने पहले मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर यह शिव भक्त कहता है, लेकिन मैं तो कल ही आया हूँ, कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सोया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वे पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ था। तब वह शिव भक्त पंडित जी को बताता है कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरे लिए आग भी जलाई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम विश्राम करो, और आज सुबह जब मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वे मुझे कहीं नजर नहीं आए। यह सुनते ही पंडित और सभी भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे और पूछा कि कैसे लगते थे वह बाबा। भक्त ने कहा कि वह बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे, उनके शरीर पर भस्म भी लगी थी और उन्होंने शेर की छाल के वस्त्र पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। यह सुनते ही पंडित और सभी भक्त उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो, कल रात जिनसे तुम मिले वह अघोरी बाबा स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को 1 दिन में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में ही है। भगवान शिव ने उस शिव भक्त के लिए काल के समय को आगे कर दिया। पंडित जी बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। भोले बाबा बहुत भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं। मित्रों, आपके क्या विचार हैं बाबा भोलेनाथ के चमत्कारों के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।